जय हिंद साथियों आप सभी का वेलकम करता हूँ आपके चैनल झा मैथ्स मैजिक पे जहाँ रखते हैं हम आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते हैं रियल और जेन इन्फॉर्मेशन बात करते हैं सरकारी नौकरी का बात करते हैं प्राइवेट नौकरी का और हेल्प करते हैं आपकी तैयारी में भी जी हाँ आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि हम इस पूरे वीडियो में बात करने जा रहे हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जी हाँ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बारे में बात करने जा रहे हैं और आपको गुड न्यूज देने जा रहे हैं जी हाँ आज आपको इस वीडियो में गुड न्यूज देने जा रहे हैं बहुत ही लंबे समय से जो है ना आपको गुड न्यूज नहीं मिला है आज की इस वीडियो में आपको गुड न्यूज मिलने जा रहा है लेकिन आपसे बस जो है ना रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे आपका लाइफ का बटन जरूर दबा दीजिएगा अगर आप लाइक का बटन दबाते हैं तो इससे मेरे को मोटिवेशन लेवल मिलता है और हमें लगेगा कि हम जो आपके लिए इन्फॉर्मेशन निकाल के आते हैं जो हम मेहनत करते हैं हो सकता है आपको लगता हुआ कि कोई मेहनत नहीं है लेकिन जो मेहनत करते हैं हमें लगेगा कि यस वो मेहनत मेरा जो है ना सही दिशा में है तो प्लीज जितने भी हमारे बहनी है बहने हैं बहनी नहीं बहने हैं है। जितने भी हमारे बहने हैं आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि, कि कस्तूरबा गांधी वालका विद्यालय का जो है ना बहुत ही शानदार इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं और आप जरूर लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा हो सकता है आपके डिस्ट्रिक्ट का जो है ना अभी नोटिस ना मिले लेकिन हम आपको दिखाएंगे किस डिस्ट्रिक्ट में नोटिस निकल के सामने आ चुका है किस डिस्ट्रिक्ट में नोटिस निकल के सामने आ चुका है और बहुत ही शानदार इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लीजिएगा वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि उनका जो है ना छूटे नहीं क्योंकि कल दो अप्रैल से उनका काउंसलिंग शुरू होने जा रहा है और काउंसिलिंग में वो भाग ले दो से स्टार्ट है और काउंसलिंग में भाग ले उनका छूटे ना काउंसलिंग सो प्लीज जो है ना वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अगर आपके डिस्ट्रिक्ट का नहीं भी हो तो भी जरूर कर दीजिएगा क्योंकि अगला बारी आप ही के डिस्ट्रिक्ट का है ठीक है चलिए तो आइए अब आज हम बात करते हैं इस पूरे वीडियो में जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का जो है ना बहुत ही लंबे समय से आपको कोई नोटिस नहीं मिल रहा था लेकिन हम अभी जो है ना आपको नोटिस दिखाने जा रहा है जी हाँ एक बात और बता देना चाहते हैं आप सभी को कि देखिए जो विभागीय लोग हैं बहुत ही शानदार हैं उनसे बातचीत होने के बाद पता चला कि देखो वहां पे जो है ना जितने भी टीचर हैं उनकी कमी है और बहुत जल्दी जो है ना आपको जिनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है भी मिलेगा और जहां पे काउंसलिंग नहीं हुआ है वहां काउंसलिंग होना शुरू हो जाएगा क्योंकि नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा तो उनको जो टीचर की जरूरत है अकाउंटेंट की जरूरत है उनको जो है सब कुछ का जरूरत है तो इसके लिए जो है ना अब आपको यहाँ से नोटिस मिलना शुरू हो जाएगा एक वीडियो हम बनाना चाहते हैं खास करके जो है ना रात्रि पर ही और रसोईया और अनुसेवक क्लर्क जो भी है उनके लिए क्योंकि उनका जो है ना अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला है लेकिन आप सबको हेल्प करना पड़ेगा उस वीडियो को अगर हम बनाते हैं आवाज उठाते हैं तो आप सबको उस वीडियो को शेयर करना होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा शेयर हो सके और वो बात वहां तक पहुंच सके और उनका भी नोटिस आए इससे पहले हम वीडियो बनाए थे उसमें हम पूछे थे कि आप लोग कहिएगा तो आवाज उठाएंगे ये होगा वो होगा लेकिन बहुत ही दो तीन लोग बोले कि सर हाँ हम आपके साथ हैं शेयर करेंगे ये होगा वो होगा बाकी कोई ऐसे लोग कमेंट नहीं किए कि नहीं सर हम शेयर करेंगे वीडियो को ठीक है ना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे लेकिन कोई बात नहीं मेरा काम है कि आपको प्रोसेस से सिलेक्शन तक अपडेट रखे आपका जो है ना सिलेक्शन तक का इंफॉर्मेशन हम देते रहे तो ये मैं अपना काम करूंगा बाय द वे अगर आप हेल्प करते हैं दो कदम आप चलते हैं दो कदम हम चलेंगे तो दूरी जल्दी तय हो जाएगा तो वो वीडियो हम बनाना चाहते हैं खास के रसोईया और रात्री प्रहरी और अनुसेवक जो भी है कलर का उनके बारे में भी बनाना चाहते हैं तो आइए चलते हैं इस वीडियो में और देखते हैं किस डिस्ट्रिक्ट में जो है ना वैकेंसी निकल के सामने आ चुका है किस डिस्ट्रिक्ट में नोटिस निकल के सामने आ चुका है पूरी डिटेल जो है ना इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरा जो है नोटिस पे ले चलेंगे और दिखाएंगे कब किसका काउंसलिंग है काउंसलिंग में सबका नाम दिया गया है उनका नाम भी दिखाएंगे किस सब्जेक्ट का कब काउंसलिंग है पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे एक बात और बता देना चाहते हैं जितना भी डिस्ट्रिक्ट आप देखते हैं ना बिहार में जो भी डिस्ट्रिक्ट है जिसका बचा हुआ है अभी तक काउंसलिंग नहीं हुआ है अब हो जाएगा आपका काउंसलिंग और ज्वाइनिंग नहीं लेना चाहे आप चाहिए को बैसाली हो हो सुपौल हो सिवान हो सीतामढ़ी हो अररिया हो कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो ठीक है ना आपका मधेपुरा खगड़िया कटिहार जहानाबाद जमुई अगर आपका बचा हुआ अभी तक नहीं हुआ है तो श्योर मान लीजिए आपका जो है ना बहुत जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है लेकिन थोड़ा सा हेल्प करना पड़ेगा आपको वीडियो अगर हम कोई वीडियो बनाते हैं उस पर अगर हम आवाज उठाने की बात करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा वीडियो को शेयर करना पड़ेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक तो पहुंचे और आपका काम जल्दी हो सके क्योंकि देखिए अपना जो माध्यम है आज सोशल मीडिया से लगभग लोग जुड़े हुए हैं ठीक है लगभग लोग जुड़े हुए हैं तो सिंपल सी बात है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात पहुंचेगा तो अधिकारी तक जो है ना एक्टिव हो जाएंगे लेकिन वो एक्टिव हो चुके हैं तो ले चलते हैं हमको नोटिस बोर्ड पे और दिखाते हैं आपको कि किस डिस्ट्रिक्ट में जो है ना नोटिस निकल के सामने आ चुका है काउंसिलिंग का डेट दे, दे दिया गया है आपको जाना है काउंसिलिंग में भाग ले लेना है ताकि आपका काउंसलिंग छूटे नहीं और बहुत जल्दी जो है ना हम आपको अपडेट इन्फॉर्मेशन देंगे जहां पे ज्वाइनिंग नहीं हुआ है वहां भी बात करेंगे जिनका काउंसलिंग हो चुका है वो क्या करेंगे जिनका काउंसलिंग हो चुका है वो अपना ईमेल आईडी चेक करते रहेंगे व्हाट्सएप चेक करते रहेंगे फोन नंबर एक्टिव रखेंगे क्योंकि कभी भी आपके पास मैसेज आ सकता है ठीक है कभी भी आपके पास मैसेज आ सकता है ज्वाइनिंग लेटर भी आ सकता है आप संपर्क में रहिएगा पोस्ट ऑफिस से भी संपर्क में रहिएगा ठीक है कभी भी आपका ज्वाइनिंग आ सकता है तो प्लीज अगर हम वीडियो बनाए मुख्य रसोई या ये सब पे तो आप लोग बताइए कि उस पर सपोर्ट करिएगा कि नहीं करिएगा चलिए चलते हैं आपको नोटिस पे और देखते हैं किस डिस्ट्रिक्ट का शानदार इन्फॉर्मेशन शानदार न्यूज आ चुका है तो यहाँ से आप नोटिस देख सकते हैं पूरा जो है ना रिक्तियों की संख्या के साथ साथ काउंसलिंग डेट दे दिया गया है अंशकालिका शिक्षा भाषा भाषा में तीन पोस्ट है जिसका पूरा का पूरा काउंसलिंग दो चार दो को हो रहा है और अंशकालिका शिक्षा सामाजिक विज्ञान का तीन चार दो को हो रहा है अंशकालिका शिक्षा विज्ञान एवं गणित का, का सात पोस्ट पे चार चार दो का हो रहा है वादन शिक्षिका का भी है इसके बाद आपको लेखापाल का भी है पूरे जो है ना डिटेल में दे दिया गया है नाम तक बता दिया गया है किन किन का नाम है वो पूरा जो है ना आपको क्या करना है आपको ना है कि राज्य कार्यकारी जो है ना उपलब्ध कराए गए पोस्ट है पांच तारीख को काउंसिलिंग है और काउंसिलिंग में क्या क्या लेके जाना है जो भी प्रमाण पत्र है शैक्षणिक प्रमाण पत्र है वो सब लेके जाना है सभी मूल प्रमाण पत्र की एक फोटो छायाप्रति अभिप्रमाणित हो एवं दो फोटो के साथ उपलब्ध होंगे मूल प्रमाण पत्र की एक फोटो

ठीक है अर्पणा सिंह वंदना कुमारी अनिता पांडे इसके बाद नाजिया इसके बाद परनीता कुमारी के मधु शर्मा ठीक है चांदनी कुमारी ये सब नाम है जो कि सोशल साइंस के लिए जिनका काउंसलिंग होने जा रहा है ये नाम है रहा आपका ठीक है रीता कुमारी ये सब पूरा का पूरा है अगर आप चैनल पे नहीं हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लीजिएगा क्योंकि हम रखेंगे आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक तो पूरा अपडेट और आपका चैनल बनने जा रहा है बिहार का नंबर वन चैनल जो सिर्फ स्टार्टिंग से ही नहीं आपका फाइनल सिलेक्शन तक आपको अपडेट इन्फॉर्मेशन देते रहता है ये प्रोसेस सिलेक्शन इसका टैगलाइन है इसका मतलब यही होता है कि जो प्रोसेस स्टार्ट होगा और वहाँ से सिलेक्शन तक हम आपके साथ हैं तो यहाँ पे देख लीजिए संध्या राय हैं के एम वंदना है सुमित सुमित्रा सिंह है ये पूरा का पूरा नाम है आप पढ़ सकते हैं आइए देखते हैं दूसरा क्या है मैथमेटिक्स साइंस के लिए देख लीजिए यहाँ से नेहा कुमारी है सुनी कुमारी है नीतू यादव है ठीक है तो आप डेट देख लिए उसके अकॉर्डिंग आपको प्रमाण पत्र जो भी शैक्षणिक आप जो फॉर्म अपलोड किए थे ना उस समय का वही सब का दो कॉपी करवा लेना है दो टो तो फोटो रखना है ठीक है ना ये सब कुछ करके आपको जो है वहाँ पे पहुँच जाना है डॉक्यूमेंट आपका बढ़िया रहना चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर बढ़िया से हो जाता है फिर आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ जाता है ठीक है क्लियर है ये सब नाम है आप यू कैन चेक इट आउट चेक कर सकते हैं नाम ठीक है और जैसे कि हम बताए हैं कि वीडियो का लाइक तो बनता है आज आ, सभी से उम्मीद रखते हैं जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा जितने भी हमारी बहनें भाई जो भी हैं उसको देख रहे हैं प्लीज़ कर दीजिएगा और हम कोशिश कर रहे हैं कि रात्रि पढ़ी और इसका मुख्य रसोईया सहायक रसोइया क्लर्क इन सब के बारे में भी जल्दी से जल्दी आपको नोटिस ला के दे और इसके लिए थोड़ा सा आपको हेल्प चाहिए हम चाहते हैं एक वीडियो इस पर बनाना जिसपे हम आ, मांग करें ठीक है ना आ, विभाग से मांग करें कि आप लोग को भी नोटिस एक नोटिस आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए ताकि आप लोग का उम्मीद बना रहे लेकिन इसके लिए जो है ना सबको सपोर्ट करना होगा हेल्पर्स टू हेल्प यू का मोटो होगा एक दूसरे की मदद करेंगे तो सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है चलिए तो यहाँ पे देख लीजिए वार्डन कम टीचर में किसका किसका नाम है तो नंबर वन पे यहाँ पे प्रियंका कुमारी है निकिता कुमारी है सविता कुमारी है ये सब नाम है ठीक है ना आप इसको चेक कर सकते हैं अपना नाम चेक कर सकते हैं ठीक है तो आप सबको जाना है वाइद भी आपको मैसेज भी मिला होगा नहीं मिला होगा तो जरूर जाइएगा तो भी जाइएगा ठीक है आप अगर फॉर्म भरे हैं ठीक है ना तो ज़रूर जाइएगा तो यहाँ से आप देख सकते हैं और ये है गोपालगंज का यस यह ये है पूरा का पूरा गोपालगंज का जो है ना ये डिस्ट्रिक्ट का जो है काउंसलिंग का डेट आ चुका है तो अगर आप गोपालगंज से हैं और अभी तक नहीं हुआ था काउंसलिंग तो जरूर जाइएगा ये देख लीजिए बिहार शिक्षा परियोजना गोपालगंज आपको शाही कॉम्प्लेक्स तृतीय तल्लाम मींस स्टेडियम के नज़दीक जाना है और वहीं पे आपका पूरा का पूरा काउंसलिंग होगा तो आपको एड्रेस इसमें दे दिया गया है नोटिस में ठीक है ना उसी इसी एड्रेस पे आपको जाना है फिर से हम बोल रहे हैं एड्रेस ठीक है कार्यालय बिलास कार्यालय बिहार शिक्षा परियोजना गोपालगंज शाही कंपनी तो ये ध्यान रखिएगा फिर से हम बता देते हैं आपको ठीक है ना बिहार शिक्षा परियोजना गोपालगंज शाही कम्प्लेक्स तृतीय तिल्ला मिज स्टेडियम के नज़दीक गोपालगंज प्रवाहन ग्यारह बजे अपने सभी मूल प्रमाण पत्र शैक्षणिक पर शैक्षणिक आवासीय जातीय मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत शपथ पत्र इत्यादि सभी मूल प्रमाण पत्र लेके आपको वहाँ पे पहुँच जाना है और चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक का बटन तो आज सभी से उम्मीद करते हैं जितने भी हमारी बहनें देख रही हैं इस वीडियो को सब प्लीज़ लाइक like कर दीजिएगा वीडियो को ताकि हम जल्द से जल्द सभी डिस्ट्रिक्ट का इनफॉर्मेशन दें और जल्द से जल्द आपका ज्वाइन करवाएं और मिठाई खाएं आपके जॉइनिंग का तो थैंक यू फॉर वॉचिंग झा मैस मैजिक चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हम चाहते हैं क्या कि रसोईया सहायक रसोईया इसके बाद कलर की इन सब पे एक वीडियो बनाए जिस पर आवाज़ उठाए तो जैसे ही वो वीडियो बनाएंगे तो आप लोग जरूर उसको शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि उनका भी नोटिस निकल के सामने आए थैंक यू फॉर वॉचिंग झा मैस मैजिक थैंक यू वन सेकेंड एंड बेस्ट ऑफ लक जो ज़ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं थैंक यू